बॉम्बे की एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, 45 रुपए का एक कार्ड, एक कार्ड भाग आया, नहीं गया उसमें, एक कार्ड पर 45 रुपए। सोचिए फजूल, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वाना शयातीन, किसके बारे में कुरान ने कहा? फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। और शादी किसकी? एक मौलवी की, मौलवी के लड़के की। अफसोस तो ये होता है। और मौलवी साहब से मैंने कहा, यार इतना लंबा चौड़ा खर्च क्यों कर रहे हो, ये फजूल खर्ची? तो दलील देता है मौलवी, वम्मा बेनेमत रब्बे का फहदिस, अल्लाह ने जो नेमतें दी है जाहिर करो। मौलवी कभी नहीं हारता, वो दलील दे के रहता है, कोई ना कोई फिट करके रहता है। कहते हैं कि एक मरतबा एक शिकारी का जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए। शिकारी का जाल था, उसमें कौवा भी फंस गया, कबूतर भी फंस गया। कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। कबूतर रोते हुए कहता, कौवे चुप, मुझे परेशान करके रख दिया रो रो कर। तो कौवा कहता, तू भी तो रो रहा है। तो कबूतर बोला, मुझे तो रोना ही है, और मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं हलाल हूं। ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है। कौवे से कहा, तू क्यों रो रहा है, तू तो हराम है, तुझे थोड़ी कुछ करेगा, तुझे तो निकालेगा उड़ा देगा, तेरा करेगा क्या, तेरी तो जिंदगी बच जाएगी, मेरी जिंदगी खतरे में। कौवा बोला, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। कहा, क्यों? कहा, ये जाल जाहिल का नहीं है, एक मौलवी का है। कौवे ने कहा, ये जाल एक मौलवी का है, एक मुफ्ती का है। तो कबूतर ने कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा, मुझे डर लग रहा है कि हलाल का फतवा देके मुझको भी काट के ना खा जाएगा।